Hey, y'all, come look at this. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। दोस्तों, कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी और भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री का सपना लेकर पहुंचे महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनावी माहौल के बीच रिक्शा चलाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों, वीडियो में आप गौर करें तो देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया रिक्शा चला रहे हैं और उनके पीछे सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां और ट्विटर यूजर जमकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के मजे ले रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस समय चुनावी माहौल के लिए जोर शोर से सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे करते हुए भी नजर आ रही हैं। इसी चुनावी माहौल के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिक्शा चलाते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। इसी पर एक यूजर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, नेक्स्ट टांगा मंत्री बनेगा। एक यूजर ने तंज करते हुए लिखा, भाजपा ने सही जगह पहुंचा दिया, कांग्रेस ने सिर पे बिठा रखा था। एक और यूजर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, भाई क्या सिंधिया जी बीजेपी में इसलिए आए थे, महाराज जी के अच्छे दिन आ गए। एक यूजर मजे लेते हुए लिखते हैं, शायद टूर गाइड की ड्यूटी मिली है। दोस्तों, भाजपा सरकार में बीजेपी पार्टी के नेताओं को किस तरह से इज्जत दी जाती है ये तो आप सभी जानते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, कुछ दिनों पहले ही बीजेपी पार्टी के पूर्व विधायक मंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द तक कह दिया था और अब बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया रिक्शा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर तमाम ट्विटर यूजर्स का कहना है कि हर किसी को इज्जत रास नहीं आती, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस के जयकारे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस तमाम जगह जीत हासिल करेगी। लेकिन इसी बीच उनकी पार्टी के एक नेता जो कि बीजेपी में जाकर बस गए हैं, उनके लिए इस तरह से बीजेपी पार्टी में इज्जत देकर यूजर्स जमकर उनको खरी खोटी सुना रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या सिर्फ महज एक पार्टी का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।